नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। हमीरपुर जनपद के विदोखर ग्राम से जुगल किशोर जिला पंचायत सदस्य पद के पक्ष में देखा जन सैलाब। हमीरपुर जनपद के छानी से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से वार्ड 5 छानी से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु जुगल किशोर पाठक आज गांव का भ्रमण करते हुए जिसमें देखा गया जन सैलाब। ग्रामवासियों ने बताया कि हमें ऐसे ही प्रत्याशी की चाहत थी। जब इस विषय में प्रत्याशी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम वादा नहीं काम करेंगे जिसमें महिलाओं जन सैलाब का हिस्सा बनी और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। क्या नाम है मैडम आपको? जी, रश्मि कुशवाहा नाम है। आप पार्टी में जैसे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी उसमें कौन से पद में तैनात हैं? युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष पद में हूँ मैं जी। और हमारी पार्टी समाज के बीच में सदैव कार्य करती रहती है, मात्र चुनाव के दिवसों पर ही नहीं, सदैव हमारी पार्टी समाज के बीच में नाना प्रकार के नशे को, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि आज समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बनाना। आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हमारा समाज जो नशे रूपी बुराई से किस प्रकार से व्याप्त है, हमारी महिलाएँ किस प्रकार से प्रताड़ित हो रही हैं समाज के द्वारा। तो हम सभी चाहते हैं कि हम राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएँ और आज समाज को हम पूर्ण नशा मुक्त बनाएंगे, तभी हमारा देश कल्याण कर सकता है। यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है जी। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह गौतम है। ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में किस पद में आप तैनात हैं? युवा मोर्चा से उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश जी। जैसे कि ये चुनाव प्रचार आ रहा है, बताया गया कि आपके प्रत्याशी भी खड़े हैं जी जी, तो इसमें अगर जीत हासिल होती है तो आप लोग अपने प्रत्याशी से वो काम करवाएंगे जो होना चाहिए कि आप लोग भी अपने अपने घर में बैठ जाएंगे? कोई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है कि हमें आकर समाज सेवा करने का एक अलग स्तर से हमें समाज को दिखाना है। और राजनीति वास्तव में किस लिए राजनीति की जाती है, इसको हमें समाज में एक उदाहरण के तौर पर पेश करना है। इसके लिए सबसे पहले हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, आप स्वयं देख रहे हैं इतना बड़ा हमारा समूह है, जो भी जन सैलाब है, हर हमारा जो सहयोगी है नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन स्वयं जीता है, और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने के लिए संकल्पित भी है। और हमारी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता यही है कि हमें समाज से नशे को दूर करना है, और नशे के साथ साथ जो हमारी बहनों के साथ में जो भी परेशानियाँ हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, उनके विषय में हम आगे अपना फोर्स देंगे और ऐसी व्यवस्थाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। और समाज की जो भी विषमताएं आज आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी मूल समस्या नशा है, और बहनों के लिए जो भी परेशानी होगी उनके लिए हम कार्य करेंगे। गांव में विकास का कार्य तो स्वतः प्रारंभ होने लगेगा। हम अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ हमारी कथनी करनी एक है, हमेशा से थी और आज भी है और हमेशा रहेगी, यही हमारा संकल्प है। क्या नाम है चाचा आपका? बालेंद्र कुमार वर्मा। जैसे कि देखा गया चुनाव प्रचार आ गए हैं, चुनाव नज़दीक आ गया, तो सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं, और हर पंचवर्षीय की तरीके से जो चुनाव जीत जाते हैं वो अपने घरों में बैठ जाते हैं, कभी गांव का भ्रमण नहीं किया, आज तक कोई समस्या नहीं सुनी। तो अभी तक जो जिला पंचायत सदस्य रहा है उसने कोई कार्य करवाया है आपके गांव में? कुछ कार्य हुआ? ये आधा संदेह तक नहीं आए, कभी आए नहीं मिला। तो आप इस बार कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? इस बार हम चाहते हैं कि जो प्रत्याशी नशा मुक्त हो जी, अपने क्षेत्र का विकास कराए जी, ऐसा प्रत्याशी हम चाहते हैं। हमारे बीच में बार बार आता रहे, बीच में प्रत्याशी जो बार बार आता रहे, ये जितने भी प्रत्याशी हैं इनमें एक ऐसा ही प्रत्याशी जगन पाठक है जो नशा मुक्त है, मांस मुक्त है, जो भावना मुक्त है, झगड़े से मुक्त है, सीधा साधा विकास करने वाला व्यक्ति है। आपको विश्वास है कि ये जीतने के बाद आपके गाँव में कार्य करवाएंगे? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जीतने के बाद जनता के सामने रहेंगे, काम करवाएंगे, घर घर जाकर उनके हालचाल पूछेंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है इस बात का। धन्यवाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एकन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्षेत्र का नेता कैसा हो, एकन भैया जैसा हो। क्षेत्र का नेता कैसा हो, एकन भैया जैसा हो। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी पाठक जी, क्या नाम है आपका? जुगल किशोर पाठक जी। इस वर्ष जैसे आप चुनाव में खड़े हैं, अगर आपकी जीत हासिल होती है तो क्या लक्ष्य रहेगा गांव वासियों के लिए? जी, हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, मानव की सेवा, और मेन लक्ष्य रहेगा जो आज की देख रहे हैं कि भय भूख भ्याग से भ्रष्टाचार से भययुक्त है एक समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, बहनों की रक्षा, मानव की सेवा और नशा मुक्त समाज की स्थापना करने का मेरा लक्ष्य। कहीं ऐसा तो नहीं जो हर पांच वर्ष में चुनाव आता है हर प्रत्याशी बड़ा आश्वासन देता है, आश्वासन की घुट्टी भी पिलाता है, उसी प्रकार आप भी
चुनाव जीतने के बाद कहीं आप अपने घर पे बैठ जाएं? नहीं, हमारा एक हमारी संगठन एक ऐसा संगठन है भारतीय सचेतना पार्टी, ये नशा मान से मुक्त है और संकल्पित चरित्रवान जीवन जीने से संकल्पित है। हम बिल्कुल मानव की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, सदैव मानव की सेवा करेंगे और देश का सर्वांगीण विकास करने का कार्य करेंगे, चरित्रवान जीवन जीने से संकल्पित रहेंगे। धन्यवाद।